नमस्कार, टोटल न्यूज पर दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा रावत। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक जो अब पूर्व विधायक हो गए हैं, विनोद कुमार बिन्नी का शो महज 3 घंटों में ही खत्म हो गया। आपका मैटिनी शो इस कदर फ्लॉप होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन सियासी मैराथन की प्रैक्टिस करने वाले आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मिल्खा सिंह 3 घंटे में ही हाफने लगे। कैसे, आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर विनोद कुमार बिन्नी के अनशन की, जो सिर्फ 3 घंटों में ही खत्म हो गया। विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि ये उनकी लड़ाई है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, जो अपने वायदों से मुकर गई, और समर्थकों का जुटना भी शुरू हो गया था, लेकिन 3 घंटों में ही विनोद कुमार बिन्नी का ये शो खत्म हो गया, उस पर पर्दा गिर गया। लेकिन शो जिस मोड़ पर खत्म हुआ वहां पर सीक्वल के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि 10 दिन का वक्त दे रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को, ताकि जनहित की नीतियों पर काम करना शुरू कर दे। अगर 10 दिन में ये काम शुरू नहीं होता है, 10 दिन पर सरकार अमलीजामा नहीं पहनाती है उन तमाम योजनाओं को जिनका वादा किया गया था दिल्ली की आवाम से, तो वो फिर एक बार बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार विनोद कुमार बिन्नी ने साफ कर दिया कि ये आंदोलन होगा जो बड़े पैमाने पर होगा, व्यापक स्तर पर होगा, देश भर में चलेगा, यानी कि आंदोलन होगा, अनशन नहीं होगा। तो 3 घंटों में ही बिन्नी का आज का ये अनशन खत्म हो गया। आज शुरू किया था जंतर मंतर पर, और इस अनशन से पहले कल देर शाम आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां विनोद कुमार बिन्नी अनशन पर बैठे, समर्थकों से घिरे हुए, और समर्थकों की यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैटिनी शो उस वक्त फ्लॉप हो गया जब 3 घंटे बाद अनशन पर बिन्नी ने पर्दा गिरा दिया। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते मुझे एक सलाह दी थी कि आपको इस अनशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपको इस लड़ाई को बहुत लंबा चलाना होगा। आपसे बेदखल हुए विनोद कुमार उर्फ बिन्नी ने खुद ब खुद अपना अनशन खत्म कर लिया और अपनी तरफ से ही केजरीवाल सरकार को 10 दिन की मोहलत दे डाली, यानी बिन्नी के अनशन का मैटिनी शो खत्म हो गया। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर साहब ने फिल्म को उस मोड़ पर खत्म किया जहां से उसका सीक्वल बनाया जा सके। आपको पूरा संगठन खड़ा होकर इनका मुकाबला करना होगा, अपनी नीतियों को क्लियर करना होगा, इन पार्टी की नीतियों को उजागर करने के लिए आपको काम करना होगा। इस जगह बैठ के साथ ये काम नहीं कर पाओगे, आपको तमाम पूरे देश में काम करना चाहिए। लेकिन जी हाँ, बिन्नी अब प्रादेशिक अनशन छोड़कर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। 10 दिन बाद फिर आप अनशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा नहीं, मैंने अनशन शब्द नहीं किया, हमने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात की है। हम इसको दूसरे रूप में आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे और इनको बताएंगे वास्तविकता इनकी जो करनी और कथनी में क्या फर्क है, वो सब लोगों का होता है। यानी तैयारी मैराथन की है, लेकिन सियासत के मिल्खा सिंह फिलहाल 3 घंटे में ही हांफते नजर आए। अब बिन्नी अन्ना का हवाला देते नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि अनशन की राजनीति इस देश में फ्लॉप हो चुकी है, करना कुछ और होगा। मुझे अन्ना जी ने एक बात कही थी कि ये 2-4 दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, भूख मरने से कुछ नहीं वाला, हमने बहुत भूखा मर के देखा है। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, अनशन की राजनीति, अनशन वाली प्रक्रिया इस देश में फ्लॉप हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अनशन पर बैठने के बाद अन्ना का ये मैसेज बिन्नी के पास आया तो फिर ये मैसेज लाया कौन, बताया क्यों नहीं, और अगर अन्ना की नसीहत पुरानी है तो फिर अनशन का फ्लॉप शो करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अब ये भीड़ खुद को ठगा महसूस कर रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। तो
अन्ना हजारे की नसीहत पर विनोद कुमार बिन्नी ने अनशन का रास्ता छोड़ दिया और अब दिल्ली की सरहदों से निकलकर वो देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ 3 घंटों में ही आज का अनशन खत्म किया। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर शशि रंजन भी जुड़ गए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी भी जुड़ गए हैं। ओवर टू यू शशि सर। बिन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक संशोधन हमारी सहयोगी आपको पूर्व विधायक कह रही हैं, आप विधायक अब भी हैं तो वो एक संशोधन कर दे रहा हूं, वरना आपकी धड़कनें वैसी भी बढ़ी हुई हैं और बढ़ जाएंगी। ये 3 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया करना चाह रहा था, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, अब देखिए ठंड का मौसम है और गर्मी इतना नहीं बढ़ाना चाहते जी, गर्मी इतना बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज को सांकेत जी बिन्नी, सांकेतिक धरना था एक दिन का। ये पहले हम इसे अनशन करना चाहते थे, लेकिन अन्ना जी से जब मिला था तो उनसे भी कुछ बात हुई थी, और आज गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने भी मुझे कुछ बात कही, तो मुझे लगा, फिर मैंने अपने सहयोगियों से लगातार बैठ के बात की कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा 10 दिन का समय हम सब लोगों सहयोगी ने बैठ के तय किया, अगर 10 दिन का समय और देते हैं, क्योंकि अरविंद जी ने गणतंत्र दिवस पे एक बात कही है कि हम फरवरी के पहले महीने में एक अनशन अपना अन्ना जी वाला जनलोकपाल पारित कर रहे हैं, महिला सुरक्षा दल बना रहे हैं, तो हमने 10 दिन का उचित समझा कि 10 दिन का समय और देते हैं, नहीं तो फिर इसको दूसरा रूप देके और पूरे देश में इनकी देशव्यापी आंदोलन करेंगे। मेरा सवाल बिन्नी जी ये है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज इस बात को लेके हूं कि ये जो ज्ञान आया आपको, ये जंतर मंतर पे बैठने के बाद आया, ये पहले भी तो आ सकता था। दरअसल सचिव भाई, मैं कोई ऐसा तो नहीं कोई बहुत प्लानिंग से कुछ कर रहा था, तो मुझे लगा जैसे साथियों ने कहा कि भाई 10 दिन का समय लग देना चाहिए, जो गवर्नर साहब से मेरी बात हुई उसको लेके मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि भाई आपको लोगों ने कहा कि भाई अगर 10 दिन का समय हम देते हैं तो कहीं ना कहीं बुराई नहीं है, हमारा मकसद तो ये है कि अन्ना जी वाला जनलोकपाल आ जाए, अगर आ जाए तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, हमको एक चांस देना चाहिए। हमने कहा ठीक है, देते हैं चांस। तो हमने सांकेतिक धरना करके और सब लोगों को कह के भाई इस तरह लाया मशुरा किया, सबकी सहमति बनी, सबकी सहमति पर हमने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं कि हम किसी जिम्मेदारी से बात है। मतलब आप जो आम आदमी पार्टी की परंपरा है आप उसको ही बढ़ा रहे हैं, वहां भी हीट एंड रन वाली परंपरा है उसको ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब आपने जिस दिन बगावत की थी उस दिन ही आपने कहा था 27 तारीख को बैठेंगे, अरविंद ने 26 तारीख का दिल्ली का जो गणतंत्र दिवस है वो 25 को ही हो जाता है, उस दिन उन्होंने उसकी घोषणा कर दी थी कि फरवरी में वो लेकर के आएंगे लोकपाल बिल। मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही दिल्ली समझ पा रही है। नहीं, सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई हंगामा खड़ा करें या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हमारा मकसद है ना हम जनता की, क्योंकि हजारों लोग वहां आए, जन समर्थन जितना मिला उसको लेके हम चाहते तो 4 दिन 10 दिन 8 दिन बैठ सकते थे, वो हम दिल्ली की जनता के साथ हम भावनाओं से जो ना खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उसका निष्कर्ष निकल जाए, उसके लिए 10 दिन अगर हम दे सकते हैं, और उन्होंने परसों अगर 25 तारीख को ये बात कही है, क्योंकि हमारी चर्चा ही आज सुबह मंच पर बैठने के बाद हुई और वो भी गवर्नर साहब के बात होने के बाद एक सवाल आया कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमने उस पर किया है, उसमें बुराई वाली कोई बात तो लगती नहीं है, नहीं करेंगे तो 6 तारीख फिर तैयार है। नहीं, लेकिन बिन्नी जी ये बताइए कि अंदर क्या है, मतलब सही खबर क्या है, ये आपने 3 घंटे में कॉल ऑफ कर लिया, उसमें असली बात क्या है, अंदर वाली बात बताइए। नहीं, अंदर वाली बात बता रहा हूँ शशि भाई, ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, जो भी है सब सबके सामने है, मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं भाई बहुत निपुण आदमी हूं और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता वो यही है कि हमने सोचा कि 10 दिन समय और देते हैं, उन्होंने पूरे राष्ट्र के सामने, राष्ट्र इतने बड़े राष्ट्र पर्व पे 25 दिसंबर को एक बात कही है कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में ये ला रहे हैं, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, आप लाएं और पास करें, हमारे उससे असहमति नहीं है कहीं भी, हम चाहते हैं कि पास हो, जो वादे किए उनको पूरा करें, उसमें हमारा सहयोग रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अन्ना से कब बात हुई आपकी? अन्ना जी से तो, अन्ना जी के कुछ सहयोगी आए थे आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा मैसेज है वहां से, और मैं जिस दिन गया था उस दिन तो मेरी बात हुई थी, तो उसके बाद आज जो मैसेज आया उसका उन लोगों का भी यही मानना था कि अन्ना जी चाहते हैं थोड़ा समय, क्योंकि कोई भी जो आतुरता में को बहुत जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, उनका मैसेज भी आज ही मिला था मंच पे थे।
लोग कह रहे हैं बिन्नी जी कि आप भी बहुत मतलब डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई है ना उनसे, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने ये मैसेज दिया था कि अन्ना जी इस कह रहे हैं कि शातिर पॉलिटिशियन की तरह आप भी काम करने लगे हैं और बड़े भाई हैं कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं मतलब लोग कह रहे हैं आप दिल्ली से आपने कवायद शुरू की, लड़ाई शुरू की और 3 घंटे के बाद आप कह रहे हैं अब इसे पूरे देश में लेके जाएंगे, अनशन भी नहीं करेंगे आंदोलन करेंगे, तो ये बताइए ना कि उसके अंदर क्या खेल है। मुझे पता है आप पॉलिटिशियन अच्छे हो गए हैं, जल्दी जवाब नहीं देंगे, पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे आपके अंदर वाली खबर निकालूं। शशि भाई मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, और इस पर आप बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि ना आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी कोई प्लानिंग हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर इन्होंने कुछ गलतियां की हैं और दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं लोग, तो उसको पूरे देश में ले जाना हमारी प्राथमिकता बनती है। तो हमने आज ही से ये प्रोग्राम बनाया कि हम तमाम जितनी भी आम आदमी पार्टी की जो जिले लेवल की यूनिट्स हैं उनसे बात करना शुरू करेंगे और उन लोगों को कहेंगे अगर दिल्ली में ये कंप्लीट कर देते हैं तो पूरे देश में इनका सहयोग कीजिएगा, अगर दिल्ली में या दिल्ली की जनता को धोखा देते हैं तो पूरे देश को अवगत कराना पड़ेगा। उसको लेकर हमने प्लान किया और उसको लेकर आगे बात की। क्या ये ना कहा जाए कि बिन्नी डर गए और बिन्नी का शो फ्लॉप हो गया, केजरीवाल जी के सामने घुटने टेक दिए बिन्नी ने? शशि भाई अगर ये कहते हैं कि शो फ्लॉप हो गया तो आपके जितने लोग वहां गए आप उनसे पूछिएगा कि लगातार कितने लोग वहां रहे। शो फ्लॉप होना ना होना सिर्फ लोगों के ऊपर डिपेंड होता है मुझे लगता है, और आप लगातार जितने लोग वहां आए, हजारों हजारों लोग वहां आके आए हैं, उनका पूरा समर्थन मुझे मिला, उनका जोश देखते बनता था, उनका उत्साह देखते बनता था, तो उसको देख के ये कहना कि मैं डर जाऊं, अगर मैं डरता तो अपने घर बैठता अरविंद के सामने बात ही ना करता फिर तो, क्योंकि वैसे ही मुझे पता है कि अरविंद भैया उनकी कैसी मानसिकता है क्या लोग हैं, तो मैं डरने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं, मैं किसी बात से डरता नहीं हूं, और मैं ऐसा नहीं कि मैं नई नई पॉलिटिक्स में आया, मैं 10 साल से एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन देख रहा हूं, तो डरने का तो सवाल नहीं पैदा। और बात रही कि समर्थन ना मिलने का, तो मेरे ख्याल से आप अपने जो भी साधन रहे हो, जो भी सोर्स रहे हो, उनके माध्यम से आप जानकारी हासिल कीजिएगा, और कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आपके सामने वास्तविकता आ जाएगी, हजारों लोगों का समर्थन मुझे मिला। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं जो आपके विरोधी हैं और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको प्लांट किया जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ। ये सवाल मैंने उस दिन भी किया था जिस दिन मैं आपका इंटरव्यू करने गया था। शशि भाई बिल्कुल गलत बात है, और मैंने मन से कहा कि विनोद कुमार बिकाऊ नहीं है, किसी के कहने से नहीं करता, मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि मेरे अंतरात्मा की आवाज थी जिसको मैंने सुना, जिस पे काम किया, अगर इसके बाद भी कोई अटकलें लगाता है तो वो उसकी अपनी मानसिकता अपनी सोच है राजनीतिक लोगों की, मैं बिल्कुल अपनी स्पष्ट बात सबके सामने रखी है, और मैंने मंच के माध्यम से हजारों लोगों के सामने इस बात को कहा था, और मैं दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूं कि मेरे पीछे मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, उसको मैंने सामने रखा, और वो उसी बात पे मैं कायम हूं, ना भारतीय जनता मेरे पार्टी मेरे पीछे है, ना कांग्रेस मेरे पीछे है, मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ लगातार 2 बार चुनाव लड़ा हूं, उनकी विचारधारा मेरी दूर दूर तक कहीं मैच नहीं करती है। जब आपने पार्टी के खिलाफ बिगुल फूका था या नाराजगी आपने शो किया था, तो क्या आपको तब ये लगा था कि एक दफा अगर नाराजगी शो करता हूं, चूंकि पहली दफा जब आपने नाराजगी व्यक्त की थी तो लोग मनाने और खीर खाने आपके घर देर रात पहुंच गए थे आधी रात, तो आपको लगा कि दोबारा भी ऐसा करें तो शायद वो लोग पहुंच गए, लेकिन इस बार एडमिट थे और खेल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उल्टा पड़ गया। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता था दोबारा आएंगे, और दोबारा आते तो मैं इनसे बहुत सख्ती से ट्रीट करता, और अच्छा रहा वो नहीं आए, वो गलत बात थी, और मैं चाहता हूं कि क्योंकि जो पहली बार आके इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे और दूसरी बार में अगर वो आते तो उनको किसी की पहली बात तो साहस नहीं था, क्योंकि झूठा आदमी ज्यादा देर टाइम रुक नहीं सकता है, वो सामने बात नहीं कर सकता है, हमेशा झूठ बोलने वाले लोग पीछे से वार करते हैं, सब चीजें करते हैं, और मैं तमाम बातें सबके सामने की हैं, और इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा कि इस छोटी सी मानसिकता को लेकर मैं ऐसी बात करूंगा, तो ऐसा आप समझ सकते हैं शशि भाई, आप कह भी रहे हैं कि मैं राजनीति थोड़ा 10-5, 2-4-5 से लास्ट से सक्रिय समाज में हूं, राजनीति में हूं, तो इन चीजों को मैं बखूबी समझता हूं, इसलिए तो ऐसा नहीं कर सकता, जनता की वास्तविकता जनता के सामने आनी चाहिए, इसको लेके मेरी मुहिम है, और अगर ये कर देते हैं मैं आज फिर स्वागत करता हूं,
कल इन्होंने मुझे निकाला, उसके बाद भी मैं तमाम चैनल्स पे ये बात कह रहा हूं, अपने दिल से कह रहा हूं कि मैं हर मुद्दे पे इनके साथ हूं। जब जब इनको मेरी वोट की जरूरत पड़ेगी मैं इनको वोट करूंगा और समर्थन दूंगा, लेकिन इनका मकसद क्या है, ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता से वो वादे जो किए हैं उनको कहीं ना कहीं चाहते हैं सरकार गिर जाए। मैं विश्वास दिला रहा हूं सरकार को, मेरी तरफ से सरकार नहीं गिरेगी, मेरी वजह से सरकार नहीं गिरेगी। और उसके बाद जो जो मुद्दे, चाहे नाजी वन्ना जी वाला जनलोकपाल हो, तमाम लोगों मतों पे इनको मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इनको वोट करूंगा। आपने ये भी कहा इंटरव्यूज में और चैनल पे कि और भी कई लोग हैं जो नाराज हैं और एक एक करके सब सामने आएंगे, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। आप तो 3 घंटे में आप खुद ही वहां से उठ के चले आए और 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन कोई और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आया नहीं सामने। शशि भाई, ना तो मैंने इसलिए कि आम आदमी पार्टी से कोई आया, ना मैंने कभी किसी से प्रयास किया है, ना मेरी इस तरह की मानसिकता है कि मैं और लोगों को तोड़ के अपने साथ मिलाऊं। मैं अपने आप में मुझे लगता है पूर्ण हूं और मैंने 10 साल ये रहा है, मैंने राष्ट्रीय दो राष्ट्रीय पार्टियों को दो बार हराया है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं कोई किसी के सहारे चलता हूं। मेरे पास अपने लोग हैं, मेरे पास अपनी टीम है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, तो ये तो मैं किसी के भरोसे नहीं हूं कि भाई किसी के भरोसे काम करूंगा। और अच्छा रहता कि भाई ये लोग मेरी बात मानते करते तो अच्छा रहता, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं मानते तो जो तमाम ऑप्शंस मेरे पास खुले रहेंगे भविष्य में। 18 या 19 तारीख को मैं एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था केजरीवाल साहब का, और उसमें आपका भी जिक्र हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पद की का लालच रखते हैं या महत्वाकांक्षा पालते हैं उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। और केजरीवाल साहब ने साफ साफ ये कहा कि बिन्नी हो या कोई और इस पार्टी में, वो अगर कल जाना है तो आज ही चला जाए और सरकार गिरने की चिंता नहीं है, कल गिरती है तो आज ही गिर जाए, लेकिन ऐसे लोगों से समझौता नहीं करेंगे। शशि भाई, वो चाहते हैं सरकार गिर जाए, वो चाहते हैं कांग्रेस उनसे समर्थन ले ले, वो चाहते हैं विनोद कुमार बिन्नी, क्योंकि जो इन्होंने काम किया वो इसलिए किया कि सरकार किस तरह गिर जाए, लेकिन इनका मकसद उसके पीछे ये है कि दिल्ली की जनता से जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं उनको पूरा करना मुश्किल है, इनको लग रहा असंभव है। अब तमाम जगह आंदोलन हो रहे हैं, आज दिल्ली DTC के लोग आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, मतलब वो उसके अलावा आपने सफाई कर्मचारी कल परसों से आंदोलन पर जाने वाले हैं इनकी पॉलिसीज को लेके, और ITI के लोग इनके खिलाफ आंदोलन पर जाने वाले हैं, तो पूरी तरफ से ये, आज मैंने लेफ्टिनेंट LG साहब से इस बारे में भी बात की कि भाई आप लोग ये लोग 12 दिन से बैठे हैं, आप इसमें कोई नहीं इंटरफेयर करते। उन्होंने मुझे एक बहुत स्पष्ट कहा कि बिल्कुल कोई प्रोविजन ही नहीं है जिसके तहत इनको पक्का किया जा सके, ये तो उनका सरदर्द है, सरकार ने प्रॉमिस किया सरदार झेले उसको, कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उनको पक्का किया जा सकेगा। ये LG साहब ने आपसे कहा बातचीत के दौरान कि ये जो लोग बैठे हैं ये पक्का नहीं हो सकते कैजुअल वाले? उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी बेसिस पे लिए जाते हैं और इन पे ना तो हम उस समय टेम्परेरी लेते हैं ना किसी की क्वालिफिकेशन देखते हैं, वे क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये चीजें तमाम ऑप्शन उन्होंने चीजें मुझे गिराई कि जब हम परमानेंट सिलेक्शन करते हैं तो ये मापदंड होता है हमारे पास और टेम्परेरी चीजों में ये चीजें हम नहीं देखते हैं, तो दोनों चीजों में बहुत अंतर था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इनको पता नहीं इन्होंने प्रॉमिस किया तो ये जाने, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी एंगल से ये इनको मतलब परमानेंट किया जा सकता है। तो जो टीचर्स बैठे हैं सेक्रेटेरिएट के सामने धरने पे उनके सपोर्ट में, तो आप भी वहां पे गए, उनके साथ आवाज में आवाज मिलाई और कहा कि आपके हक के लिए हम भी लड़ेंगे? मैं गया था और उसी हक के लिए मैं LG साहब से मिला। अगर सरकार मुझे लगा कि अगर मुख्यमंत्री और तमाम लोग इस बात को नहीं सुन रहे हैं तो मैंने लगा गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक बात करनी चाहिए, और उसी को लेकर मेरा ऑलरेडी टाइम फिक्स था, वो उन्होंने आज सुबह का ही टाइम लिया, तो मैंने सोचा कि भाई मैं उसी लड़ाई को लड़ रहा हूं तो पहले LG साहब से मिलता हूं। LG साहब से मिला तो और बातें भी काफी हुई, सोमनाथ जी को लेकर बात हुई और लोगों को लेकर बात हुई, तो तमाम चीजों पर बात हुई उनसे हुई है आज सुबह, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके सब चीजें करके। सोमनाथ भारती के मसले पर LG ने क्या कहा आपसे? LG साहब ने कहा कि इसकी कानून प्रक्रिया है, कुछ लोगों को अरेस्ट करके उसकी जांच होती है, कुछ लोगों का जांच करके अरेस्ट किया जाता है, सब पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, हम उसमें बहुत सिंसियर हैं। लेकिन मैं जरा वापस उस मसले पे आना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं, और जो ये कैजुअल बेसिस पे एडहॉक अपॉइंटमेंट वाले या जो टेम्पररी बेसिस पर
जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग महकमों में डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी बात एलजी से हुई और एलजी साहब ने कहा कि ये परमानेंट नहीं हो सकते कानूनी प्रक्रिया के तहत, और जब आपने कहा कि सरकार ने वादा किया है तो उन्होंने आपसे ये कहा कि सरकार ने वादा किया है, कैसे किया है वो समझे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूं बात स्पष्ट की थी कि मैं आपको बता दूं, उन्होंने स्पष्ट कहा था मुझसे, अगर मेरी कहीं भी सुनने में गलती नहीं हुई है और मेरी समझ में कहीं गलती नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम जब परमानेंट कुछ चीजें करते हैं तो उसके लिए ये है कि इसकी क्वालिफिकेशन ये होगी, इसका ये होगा, ये तमाम चीजें, बहुत सारे मापदंड होते हैं जिसके अंदर से निकलना होता है, और टेम्परेरी चीजों को बहुत टेम्परेरी रूप से किया जाता है कि भाई आइए इसमें टेम्परेरी, तो उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और अगर वो हो सकता है, अगर मेरे ख्याल तो मुझे तो लगा जो मैं मतलब समझ पाया चीजों को और जो मैं देख पाया, वो उनका कहने का मतलब यही था कि इस तरह नहीं हो सकता। मतलब एलजी साहब कह रहे हैं जो जितना भी आपकी बातचीत हुई और जो आप समझ पाए कि ये टेम्पररी वाले परमानेंट नहीं हो सकते, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जी 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 जी, क्योंकि बिन्नी जी मैं इसलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला है और आपकी पार्टी फॉर्मर पार्टी आम आदमी पार्टी जिसमें आप भी रहे और चुनाव कैंपेन के दौरान आप लोगों ने भी ये वादा किया, मैनिफेस्टो में भी है कि तमाम जो टेम्पररी कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा, और ये एक बड़ा मसला है दिल्ली में। और आपकी जो एलजी साहब से बात हुई आपके हवाले से अगर ये बताएं तो एलजी साहब ने ये कहा कि ये परमानेंट नहीं हो सकता, ये बड़ी खबर है अपने आप में दिल्ली के लिए। नहीं मेरी तो मैं समझो, अगर मैंने कहा कि अगर मेरे समझने में 1% भी गलती नहीं है और मैं सही चीजें समझाऊं जो उन्होंने बोला है तो यही बोला जो मैंने आपको बोला है। इसका मतलब जो लोग दिल्ली में, और मैं गया ही सिर्फ उन टीचर्स की वजह से था एलजी साहब से मिलने, क्योंकि वो पिछले 12-13 दिन से लगातार लोग वहां बैठे हैं और मुझे लगता है कल से वो लोग 5-6 लोग उस पर आमरण अनशन पे चले गए। तो इस तरह के जितने प्राइवेट यानी टेम्पररी जो स्टाफ हैं या इंप्लॉइज हैं वो सब भ्रम में जी रहे हैं, इसका मतलब बिन्नी जी? दिल्ली सर, जो हमारी आम आदमी पार्टी ने जो सुहाना सपना दिखाया था उसको तो लगता है कि भाई मुझे लगता है बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपने बहुत उम्मीद की लोगों ने आपसे, आपको उन्होंने लगा कि भाई जितने भी टेम्परेरी हों, चाहे वो डीटीसी के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आईटीआई के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स हों, तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद, और वो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और मुझे तो बहुत शौक हुआ और मुझे लगा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी ने इस तरह के वादे किए और गवर्नर एलजी साहब की बात सुनने के बाद मुझे लगा, तो मैं अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित था कि हमारी पार्टी ने ऐसी घोषणाएं कर कैसी दी। चलिए एक दूसरा सवाल ये है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी सरकार गिर जाए, वो सरकार कैसे गिरेगी? क्या कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी या आपको लगता है कोई और तरीका है जिसको अपना करके ये सरकार गिर सकती है या गिराई जा सकती है? सर मैं बता दूं कि अपना मकसद किसी हाल में नहीं है, और मुझे लगता है कांग्रेस की भी मंशा इस समय ऐसी नहीं है कि वो सरकार गिराए। सब लोग चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करें, जनता के हित में जो प्रॉमिसेस किए उनको पूरा करें, चाहे वो अन्ना जी वाला जनलोकपाल हो, चाहे 50% बिजली के दाम कम करने की बात हो, चाहे वो 10,52,000 लोग जिनको आपने प्रॉमिस किया था कि हमें आप सहयोग कीजिए, हम आपका जैसी सरकार में आएंगे आपके बिजली पानी के बिल माफ कर देंगे, या 700 लीटर बिना कंडीशन आपने पानी देने की बात की वो हो, जो तमाम वादे जो आपने महिला सुरक्षा दल बनाने की बात की हो, चाहे वो आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई, तमाम मुद्दों पे हम भी चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है इस बात को, लेकिन मुझे लगता है अरविंद भाई और अरविंद भाई के बहुत क्लोज के जो लोग हैं उनको ये लगता है शायद ये करना संभव नहीं है, वो इसलिए मुझे लगता है कि वो इस तरह के कॉमेंट्स करना कि भाई और इसमें मुझे निकाल देना, बाकी हो सकता है कल किसी और को भी निकाल दें वो लोग पार्टी से, तो मुझे लगता है कि वो सरकार चलाने के मूड में नहीं है, वो चाहते किस तरह सरकार गिरे हम इन आफतों से बचे। लेकिन वही मैं समझ रहा हूं कि सरकार कैसे गिरेगी, मतलब कांग्रेस भी ये जोखिम लेगी क्या समर्थन वापस ले ले, ये जोखिम कांग्रेस भी नहीं लेना चाहेगी, फिर कैसे गिर सकती है सरकार? सर
सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी मनसा अंदर से जो भी मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं थोड़ा भी पॉलिटिकल समझ रखता हूं, तो वो सब चीजों को समझते हुए मुझे लगता है कि उनकी मनसा ये नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के हित में काम करें, क्योंकि दो महत्वपूर्ण डिसीजन अब तक उन्होंने लिए हैं। 50% बिजली के दाम कम किए हैं, वो भी सिर्फ 400 यूनिट तक सब्सिडी देके। दूसरा, उन्होंने 700 लीटर पानी दिया है, वो भी 701 लीटर होने के बाद पूरे बिल के पैसे देने होंगे। तो तमाम दोनों मुद्दों पर दिल्ली की जनता को उन्होंने चीट किया है और उनके साथ धोखा किया है। तो मुझे लगता नहीं, और एलजी साहब से मिला, वो अपने आप में बहुत बड़ा खबर है कि एलजी साहब ने कहा कि उनको परमानेंट हो ही नहीं सकता है, पता नहीं कैसे वादा हो गया, क्या हो गया, मतलब वादा तो नहीं कहा उन्होंने कैसे वादा हो गया, लेकिन वो सरकार समझे, सरकार ने प्रॉमिस किया वो कैसे करेगी। लेकिन गवर्नर साहब ने जो मुझे थोड़ा सा भी बताया, जो भी मैं समझ पाया, अगर मैं सही समझाऊं तो यही सब थे एग्जैक्ट जो मैंने आपको बोले। चलिए, ये आपने कहा कि 10 दिन के बाद फिर मैदान में उतरेंगे, इस 10 दिन में क्या होगा और जब दोबारा मैदान में उतरेंगे तब क्या होगा? देखो, दिल्ली की जनता को जनवरी को अरविंद भाई ने अपने मंच से कहा कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास करने जा रहे हैं, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने साथ साथ अपनी जो हमें देशव्यापी आंदोलन करना है उसकी तैयारी भी करेंगे, हमेशा नहीं फरवरी में कर देंगे, हम उस पर दबाव बनाएंगे पूरी तरह, और उसके अलावा जो प्रॉमिसेस किए उनको करेंगे, फिर दबाव बनाएंगे। हमारा मकसद तो जनता का हित करना है, अनशन करना थोड़ी है हमारी प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि फरवरी में, पहले हफ्ते में बोला उन्होंने, फरवरी के पहले हफ्ते में। तो ये क्या करेंगे फिर, जरा बताइए ना कि अब मतलब देशव्यापी क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या रंग होगा? ऐसा ना हो कहीं 20 तारीख के आसपास मैं जो है पूरे देश की जितनी भी आम आदमी पार्टी की जिले लेवल की यूनिट्स है उनसे बात करूंगा, और बात करके अपने लोगों को लगाऊंगा, खुद लगूंगा, बाकी लोग लगेंगे, उन लोगों को जागरूक करेंगे अगर दिल्ली में हमने क्या क्या प्रॉमिसेस किए और क्योंकि क्या क्या प्रॉमिस करने के बाद पूरा नहीं किया। ऐसा ना हो कि जैसे दिल्ली की जनता मुद्दों के आधार पर चली गई है, पूरा देश चला जाए, उससे लेकर उनको जागरूकता फैलाएंगे। उसके लिए जो भी चार लोग बैठ के लोग तय करेंगे उसके लिए क्या प्रारूप हो, हम कैसे करें, वो तो कल परसों में सब चीजें तय कर लेंगे। आप कुछ कह रहे थे क्या 20 फरवरी तक, कुछ कह रहे थे, बीच में रोक दिया था मैंने आपको, क्या कह रहे थे? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20 फरवरी के आसपास या 15 फरवरी 25 फरवरी 1 मार्च कुछ भी देश में आचार संहिता लग सकती है और पूरे देश के चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर तो देश की जनता को फिर झूठ बोल रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर उनको करना है, सब चीजें तैयार है, तो टाइम क्यों किल करना है? आप तुरंत बुलाइए, तुरंत पास कीजिए और कर दीजिए अपना काम। हम जैसे लोगों की जुबान पर लगाम लग जाएगी, हम लोग बोलना बंद कर देंगे। लेकिन सवाल एक ये है बिन्नी जी, जो बार बार आपसे पूछना चाह रहे हैं और मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं। आपने शुरू की लड़ाई दिल्ली की, अनशन पे बैठे या आंदोलन पे बैठे, 3 घंटे में उठ गए वहां से, 10 दिन का टाइम लिया, आप कहते हैं पूरे देश में जाएंगे, ये अभी भी गले के नीचे नहीं उतर रही बात। और बीजेपी, कांग्रेस, इवन शोएब इकबाल ने आपके आज के इस कॉल ऑफ पे बहुत चुटकी ली है और आपकी जबरदस्त आलोचना की है। शोएब इकबाल अपने बड़े भाई हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो क्या कह रहे हैं मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। और मैंने अपनी बात जनता के सामने रखी है, मैं जनता की भावनाओं से नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता तो मैं से 4 दिन 5 दिन 6 दिन कर सकता था आराम से, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई इतना कमजोर हूं सब चीजों से, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं बैठ सकता हूं, क्षमता मेरे अंदर है, लेकिन मैं जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता था कि अगर कोई रास्ता 4 लोगों ने बैठ के तय किया, हम समय दे तो दे दिया हमने, हम जिद्दी थोड़ी है बाकी लोगों की तरह, हमने जो जिद पकड़ ली वो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र लोकतंत्र में हमेशा आदमी लचीला व्यवहार आदमी का रहना चाहिए, उसी को हमने उसका परिचय दिया। मतलब उस 3 घंटे में क्या ऐसा हुआ, मैं अब तक नहीं समझ पाया बिन्नी जी, इतने देर से आपसे बातचीत कर रहा हूं, उस 3 घंटे में ऐसा क्या करामात हो गया कि आपने कॉल ऑफ कर लिया? देखो, मैं आपको बता दूं कि
मैं आप जब मैं वहां से गया तो मैंने मीडिया को बैठ जब मेरी गवर्नर साहब से मिलने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने के बाद जब मैं निकला तो मैंने तमाम मीडिया को ही कहा था गवर्नर साहब से मेरी कुछ विशेष बात हुई है। उन्होंने कुछ मुझे पर्सनल मतलब छोटे भाई के नाते मान लो मतलब अनऑफिशियली कुछ बता कहा है तो मुझे लगा कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और अन्ना जी की तरफ से भी वही एक मैसेज आ गया उनके वॉलंटियर्स के थ्रू जो एएसी के मेंबर्स थे तो दोनों चीजें मिल गई। हमने पीछे बैठा मैंने कि दो जगह से एक मैसेज आया दोनों का सम्मान करना चाहिए हम लोगों लोगों ने कहा कि बुराई नहीं है आप 10 दिन और समय दे दो। कुछ लोगों ने कहा 5 दिन दे दो किसी ने कहा 7 दिन दे दो किसी ने कहा 3 दिन दे दो। उस सब में सहमति ये बनी कि 10 दिन आप देते हैं इनको क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि वो चीजें हो जाए। तो वो 3 घंटे में हम बैठे रहे लोग बोलते रहे बात करते रहे और हमने वो बातें क्योंकि लोग आ रहे थे लोगों का स्वागत हमने करना था लोग तमाम दिल्ली के कोने कोने से निकल के चल के आ रहे थे तो उनको उनको बोलना भी था कोई मैसेज भी देना था तो 3-4 घंटे उसमें लगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने कोई अनशन शुरू किया मैंने कभी घोषणा नहीं की मंच पर जाके कि मेरा अनशन शुरू हो गया। मैं तो पहली बार वहां बोला और पहली बार बोलते ही मैंने सब स्पष्ट किया। ऐसा होता है कि मैं 3 घंटे पहले एक स्पीच देता उसके बाद 3 घंटे बाद मैं खड़ा होता दोबारा कोई स्पीच देता तो मैंने इस तरह कुछ किया नहीं। मैं तो जब बोला तो मैंने अपनी बात में सब स्पष्ट की बातों को। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो 3 घंटे का राज तो बिन्नी जी अब तक मैं नहीं समझ पाया हूँ और कोशिश करूंगा कि आपसे कभी मुलाकात हो तो समझूं और मैं भी समझना चाहूंगा दिल्ली के लोग भी समझना चाहेंगे वो 3 घंटे का रहस्य क्या है। शशि भाई आप समझ तो गए हैं लेकिन शशि भाई आप समझ गए हैं लेकिन समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो पता नहीं मैं तो कुछ ज्यादा कई बार समझ लेता हूं लेकिन दिल्ली के लिहाज से समझना चाहता हूं कि वो तीन घंटे में हुआ क्या है ये बड़ी राज की बात है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशि भाई। जितनी आपको समझ है दिल्ली में राजनीति की और जितनी आपने पिछले दिनों एनालिसिस किया है दिल्ली को थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये बिन्नी जी थे समझने और समझाने का दौर था समझना हम भी चाहते थे कि उस 3 घंटे में हुआ क्या। एलजी साहब के घर से निकले एलजी साहब के यहाँ से निकले मंच पे पहुंचे भाषण भी दिया और भाषण के साथ ही कॉल ऑफ कर लिया। ये 3 घंटे का मैराथन कैसा मैराथन था ये हम भी नहीं समझ पाए। कोशिश ये जरूर कर रहे थे कि बिन्नी साहब से पूछें कि आखिर हुआ क्या उन 3 घंटों में ऐसा करामात क्या हो गया कि आपने मन बदल लिया। उधर आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही थी कि अनशन पे बैठे हैं बिन्नी तो बैठे रहे सरकार का कोई नुमाइंदा और ना ही पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने जाएगा। कल जब पार्टी से निकाल दिया एक नाता टूट गया तो फिर जुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। पर सवाल ये है कि आखिर उन 3 घंटों में क्या हुआ कि बिन्नी ने कॉल ऑफ कर लिया ये अनशन या आंदोलन 10 दिन की मोहलत ये समझना बहुत जरूरी है दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिहाज से। जैसे ही कुछ और इस मसले पे जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक उधर बिन्नी ने भी ब्रेक लिया है इधर हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा और वापस फिर अपर्णा के पास।